हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं BCOLA 138 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। ऐसे कौन कौन से चैनल हैं जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको असाइनमेंट जो है बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाएंगे, आपको नोट जो है बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, और असाइनमेंट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ ही साथ आपको 24/7 सर्विस मिलेगा हमारे चैनल की तरफ से, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। इसके अलावा ये जो बगल में ज्वाइन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके इग्नू बीकॉम में जाना है, और उसके बाद जो ये ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक नॉमिनल सा फी है ₹119 का, जिसको आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको नीचे की तरफ आना है, और ये जो पर्क्स का ऑप्शन है यहाँ आपको क्लिक करके, यहाँ जो एक चैट का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। उनको यहाँ पे ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको ₹1 भी नहीं देना है। साथ ही साथ आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको अपने नोट्स पे अगर आप हमसे परचेस करते हैं, और आपको 24/7 सर्विस मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह के इशू, किसी भी तरह की परेशानी के लिए, अगर आपको कभी भी होती है आपके स्टडी के रिगार्डिंग, तो आपको हमारी तरफ से हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आप एक तरीके से ऑन डिमांड लेक्चर्स भी बनवा सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस भी बना सकता हूं अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। इसके अलावा मैं कुछ चीजें और बता दूं कि प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आकर के सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट को के थ्रू आप पढ़िए, आपके डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है हमारे चैनल पे। आने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आप जाएंगे तो इग्नू बीकॉम न्यू दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट बना हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का। यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगे, जिनको देख करके पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। कितना चल गया वे? ये हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, है ना। तो वो कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला है फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल, जहाँ पे एक ऐसा चैनल जहाँ पे आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हो, एक दूसरे को देख करके बात करते हो, उसे हम कहेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल। सो ओवर द ईयर्स कम्युनिकेशन चैनल हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन बिग बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज थ्रू दिस चैनल द मैनेजर कैन कम्युनिकेट विद स्टाफ विदाउट कॉलिंग देम टू वन प्लेस, दस अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्टर्बेंस एंड सेविंग टाइम, है ना। तो ये जो एक तरीके का तरीका का है, एक चैनल है जिसके माध्यम से आप एक जो एक मैनेजर है, सपोज उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने सारे स्टाफ के साथ, अपने सारे ग्रुप्स के साथ वो एक जगह पर बैठ करके इत्मीनान से मीटिंग कर सकता है, उसको फेस टू फेस किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीके से अननेसेसरी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मीटिंग करते हो या फिर किसी भी तरह का मीटिंग करते हो, तो उस केस में तो चीजें जो टाइम बर्बाद होता है वो यहाँ पे नहीं होता। आप टाइम आप बचा पाते हो, जो डिस्टर्बेंस होता है उसे आप बचा पाते हो। तो एक तरीके से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने के फायदे बहुत सारे हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैव बिकम वेरी कॉमन दीस डेज। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज वन ऑफ द फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल, जिसके माध्यम से, जो कि बहुत ही कॉमन है अभी के टाइम पे, जिसके माध्यम से आप एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके आप बात कर पाते हो। फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ द स्पीकर वॉइस क्रिएट एट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द ऑन द रिसिपिएंट्स, है ना। सो देयर आर नो चॉइसेस ऑफ एम्बिग्युइटी, एंड इफ नेसेसरी द स्पीकर एंड द रिसिपिएंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर एंड स्पीक क्लासिफिकेशंस, है ना। तो अगर सपोज कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती या फिर कुछ आपको आपको समझ में नहीं आता, तो फेस टू फेस आप बात करके उन सारी चीजों को एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्स के बारे में बताया गया जो कि आपको हेल्प करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू किसी से बात करने में। सपोज स्काइप है, आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है, साथ ही साथ व्हाट्सएप का तो आपने नाम सुना ही होगा, आर इजिली अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। इसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल करके आप बात कर सकते हो किसी से। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल में ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट है मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल।
So, mobile communication channel using a smartphone is preferred when private or confidential messages are to be communicated to an individual or small group of persons. तो मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी प्राइवेट है ना व्हेन अ प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस टू बी कम्युनिकेट, जब आप किसी कोई प्राइवेट या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज किसी को सेंड करते हो, ठीक है ना, फॉर टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल को या फिर एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का, अगर आप उसको सेंड करते हो तो उस केस में आपका जो मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल है वो अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ जो चीजें हैं वो पब्लिक नहीं है, यहाँ पे चीजें जो है वो प्राइवेट है और कॉन्फिडेंशियल है। अनलाइक फेस टू फेस चैनल, फेस टू फेस की तरह ना हो करके ये एक तरीके से मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल इज लेस एक्सपेंसिव एंड सेव्स ऑन टाइम। तो फेस टू फेस चैनल एक तरीके से कम एक्सपेंसिव है और यहाँ पे जो टाइम है उसकी भी बहुत ज्यादा बचत यहाँ पे होती है। तो फेस टू फेस मैंने आपको बताया जहाँ पे लोग एक दूसरे के सामने बैठ करके बात करें, मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल ऐसा नहीं होता। मोबाइल में आप डायरेक्टली जो भी चीजें आपको भेजनी है, कॉन्फिडेंशियल मैसेज या प्राइवेट मैसेज, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो विद द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन स्पेशली, जहाँ पे आपको फेस टू फेस बात करने की आवश्यकता नहीं होती। फेस टू फेस में जो खर्च पड़ता है ज्यादा वो भी यहाँ आपको नहीं होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा और ये जो है समय का भी बचत करता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पे डेफिनेटली ईमेल की बात की जा रही है, इंटरनेट की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कम्युनिकेशन चैनल तो वही वही सारी चीजें हैं। सो इट इंक्लूड्स ईमेल, इंटरनेट, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपको पता है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, आप पीएमओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो ट्विटर पर जाकर, क्योंकि सारे लोग वहां पे अवेलेबल हैं, बहुत ही आसानी से आप सारी चीजों को कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल में ये सारी चीजें आ जाएंगी। दिस चैनल कैन बी यूज्ड फॉर वन टू वन और वन टू ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। तो ये जो तो चैनल्स हैं इसका इस्तेमाल जो है वन टू वन हो सकता है, वन टू ग्रुप हो सकता है या फिर मास कम्युनिकेशन के रूप में भी हो सकता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और इवन डज नॉट इन्वॉल्व कॉस्ट, और समटाइम्स तो ये कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं करता किसी भी तरह का। एंड मैनी कंपनी सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ETC हैव मेड दीज मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारी की सारी चीजें फ्री है। आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर करने के लिए कुछ अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पे आप सारी की सारी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाउएवर व्हाइल यूजिंग दिस चैनल सेंडर हैज टू बी केयरफुल फॉर ड्राफ्टिंग पोस्टिंग मैसेजेस बिकॉज इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स कैन कॉज कंफ्यूजन और नेगेटिव पब्लिसिटी। तो जब भी आप मैसेज लिख रहे हो ट्विटर पे या फिर किसी भी चीज पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आपको अपना मैसेज को केयरफुली ड्राफ्ट करना चाहिए और पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का इनअप्रोप्रिएट वर्ड अगर वहां पे लिखोगे तो आपको एक तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो आप और आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी साथ में हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू राइट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, यू राइट इट बाई वेरी मतलब कॉन्शियसली, बहुत ही अच्छे से ध्यान करके आप लिखो ताकि दिक्कत आपको इन फ्यूचर में ना हो। फोर्थ पॉइंट है ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन। सो दिस चैनल इंक्लूड टीवी एंड रेडियो। इस चैनल में एक तरीके से टीवी और रेडियो आ गया। दीज टाइप्स ऑफ मीडिया चैनल्स आर यूजुअली यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एडवर्टाइजिंग और प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के मीडिया चैनल का इस्तेमाल जो है कंपनीज तब करती है जब उनको अपने प्रोडक्ट को टीवी पे एक तरीके से ऐड करवाना रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में टीवी देखने वालों की संख्या कम नहीं है, बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, राइट। द सीईओ ऑफ ग्लोबल कंपनी में यूज दिस चैनल फॉर एड्रेसिंग अक्रॉस द ग्लोबल सिटीज। तो जो सीईओ है ग्लोबल कंपनी का, मतलब उस कंपनी का, वो एक तरीके से इस चैनल का इस्तेमाल कर सकता है अपने सारे के सारे जो पूरी दुनिया में जहां जहां भी उसका चैनल चलता है वहां के लोगों को एड्रेस करने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, राइट। इफ अ मैसेज इज इंटेंड फॉर अ मास ऑडियंस, अ ब्रॉडकास्ट चैनल इज यूजुअली यूज्ड। तो जब आप एक मैसेज भेजने की कोशिश करते हो बहुत एक लार्ज बड़े ऑडियंस को, बड़े लोगों को, बड़े लोगों नहीं मतलब बहुत दूर दराज तक, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ आप एक मैसेज आप भेजना चाहते हो तो उस केस में ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पांचवा मेथड है रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन करते हो लिख करके, इसलिए हम इसे कहेंगे रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस चैनल फॉर अनाउंसिंग देयर पॉलिसीज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इस चैनल का इस्तेमाल करती है अपनी पॉलिसीज को एक तरीके से बताने के लिए लोगों को, और सेंडिंग मेमोज या फिर आप सेंडिंग जो मेमोज है उसको सेंड करने के लिए, लेटर, मैनुअल, नोटिसेज, ETC, समटाइम्स रिटन कम्युनिकेशंस आर सेंड फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स, है ना। तो इन सारी चीजों में भी आपका प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। सो बीइंग अ सरकारी एम्प्लॉय मुझे पता है कि क्या होता है, हमें जब भी कुछ भी नया कुछ करना होता है, कोई नई एडवाइजरी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नए रूल्स आते हैं, तो सारी की सारी चीजें रिटन तौर पर होती है कि
कि भाई ये काम करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन है ये प्रोवाइड किया जाता है बाई द गवर्नमेंट, है ना। तो ये वही बात यहाँ पे बोली गई है कि एक तरीके से आपको जो है यहाँ पे लेटर, मैनुअल्स, नोटिस, ये सारी चीजों में इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिख करके ही करना होता है। सो रेसिपेंट्स मे रिस्पॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल और यूज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो रिसिपेंट्स होंगे जो इस मैसेजेस को रिसीव करेंगे वो एक तरीके से या तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, या फिर तो वो एक तरीके से जो रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो उसी का इस्तेमाल हो सकता है करें। सो दीज आर द फाइव, यू नो, फाइव टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल जिसके माध्यम से लोग कम्युनिकेट करते हैं और अपने परिवार जनों से मिल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।